हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिसेज किंजल पंचाल, आई एम अ टीचर इन जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6, लिसन केयरफुली। टुडे इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू योर चैप्टर 2 इन इंग्लिश ग्रामर। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक इंग्लिश ग्रामर, एक्टिव ग्रामर टेक्स्ट बुक। ओके, चैप्टर 2। योर चैप्टर 2 इज द सेंटेंस। सेंटेंस यू नो वेरी वेल, जिसको वाक्य बोलते हैं, पूरा एक वाक्य होता है जो सेंटेंस। विदाउट सेंटेंस पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड योर फीलिंग। ओके, व्हाट यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हो वो भी समझ नहीं पाएंगे। एक वर्ड्स बोलने से कुछ भी पता नहीं चलेगा। सेंटेंस पूरा होगा तो सामने वाले इंसान को सब कुछ समझ में आता है बच्चों। ओके, तो चैप्टर 2 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, द सेंटेंस। ओके, एक्चुअली ग्रामर पूरे इंग्लिश सब्जेक्ट में एक ग्रामर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ओके, तो बच्चों ग्रामर मोस्ट इम्पोर्टेंट। और हाँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए आप, एक सेंटेंस यहाँ बुक्स में आपका लिखा हुआ है, पर मैंने उसको एक अलग तरीके से नोट एक पेज में लिखा है जो आपको। स्टूडेंट्स आई होप कि आपने चैप्टर 1 जो है आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिख दिया होगा। अब नए पेज पर चैप्टर 2 द सेंटेंस चालू करना। ओके, अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक का जो है ये वाला वो मैंने किस तरीके से लिखा है जो आपको आपकी नोटबुक इंग्लिश ग्रामर की जो नोटबुक है उसमें लिखना है। ओके बच्चों, तो चलो देखो देखो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। वो टेक्स्ट बुक में पूरा पैराग्राफ की तरह था और यहाँ मैंने देखो किस तरीके से बनाया। स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 2 द सेंटेंस। ओके, फर्स्ट सेंटेंस की डेफिनेशन मैंने लिखी। ओके, सेंटेंस की डेफिनेशन, क्योंकि एक बात बोलूँ, डेफिनेशन के बिना आपको कोई मीनिंग पता नहीं चलेगा। ओके, तो वी हैव टू एक्सप्लेन। ओके, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, हमको एक एक्सप्लेन होना चाहिए कि डेफिनेशन इसकी क्या होती है। ओके, सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगेन आई स्पीक अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स एक वर्ड्स नहीं, दो वर्ड्स नहीं, पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी बहुत सारे वर्ड्स होके जो ग्रुप बनता है उसको सेंटेंस बोलते हैं। विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। A group of words which makes complete sense is called a sentence. यानी जो वर्ड का ग्रुप होता है, वर्ड जो बहुत सारे वर्ड होते हैं, जो एक कंप्लीट सेंस यानी हमको पूरी समझ देता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस। अगर मैं आपको ये बोलूँ जाओ, पर कभी जैसे तुम घर जाओ, तुम मंदिर जाओ, तुम घूमने जाओ, ऐसा कुछ बोलोगे तो सामने वाले को पता चलेगा। एक बात बोलो, कभी कभी ऐसा होगा कि एक वर्ड्स बोलने से सामने वाले को कुछ भी, सामने वाले को क्या, पहले तो आपके पेरेंट्स को ही नहीं पता चलेगा बच्चों, दूसरे की तो बात दूर की बच्चों, कि अगर आप एक वर्ड्स बोल के टीचर्स को या किसी और को समझाओगे, उससे पहले आपके पेरेंट्स को भी एक वर्ड्स बोलने से कुछ, आप पेट में दर्द हो रहा है ऐसे बोलो मम्मा पेट, पेट दर्द हो रहा है तो अच्छे से, क्योंकि पेट क्या है, पेट पेट में भूख लगी है, दर्द हो रहा है, कुछ और हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, उसी तरह से दूसरा कुछ होता है। ओके, तो जब तक पूरा वर्ड्स आप सेंटेंस नहीं बोलोगे, कोई आपकी लैंग्वेज यानी आपकी फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। ओके, अ सेंटेंस, अ सेंटेंस कंटेंस अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड एक्सप्रेसिस अ कम्प्लीट थाट। अब सेंटेंस किससे बनता है, सेंटेंस बनता है तो पहले तो एक सब्जेक्ट होता है कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है। ओके, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है। ओके, और प्रेडिकेट मीन्स जिसके बारे में बात करें उसके बारे में क्या कह रहे हैं वो प्रेडिकेट है। समझ में आया थोड़ा सा, मैं यहाँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ आपको। ओके, सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट में मतलब हम जिसके बारे में बात कर उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं वो है। ओके, ये एकदम इजी है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। एक्सप्रेस अ कम्प्लीट थॉट, जो
एकदम से एक्सप्रेस हो जाता है, कंप्लीट यही है। इन अ सेंटेंस व्हाट वी टॉक अबाउट इज द सब्जेक्ट। सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं करते हैं वो सब्जेक्ट है, ओके। जैसे द एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो हम ये सेंटेंस में किसके बारे में बात करें, द सन, सन ईस्ट में राइज होता है, तो हम किसके बारे में बात करें, सन के बारे में, तो सन क्या हुआ, सब्जेक्ट, ओके। द सन क्या हुआ, सब्जेक्ट, यानी हम सब्जेक्ट मीन्स सन के बारे में बात करें, तो सन है हमारा सब्जेक्ट, ओके। अब नीचे द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। अगेन आई रिपीट, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिक्ट। अब सेंटेंस का पार्ट, जो ये सेंटेंस होता है उसका उसका एक हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब जिसके बारे में बात करें, जैसे यहाँ सन के बारे में बात करें तो सन क्या है, सब्जेक्ट है, पर सन के बारे में हम क्या बोल रहे हैं, तो सन के बारे में हम ये बोल रहे हैं कि राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज इन द ईस्ट क्या हुआ, द प्रेडिकेट, ओके। इस तरीके से होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में है बच्चों, इजीली समझ में आ जाए ऐसा है, ओके। सेंटेंस जिसके बारे में बात करते हैं वो सन, वो सन सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, और जिसके बारे में हम बात करें उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं वो प्रेडिकेट है, मतलब सन है लेकिन सन के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, राइजेस इन द ईस्ट, तो वो प्रेडिकेट, ओके। तो स्टूडेंट्स आपको ये वाला जो मैं लिख के रखा दिया है ना, आपको दिखाया, ये समझाया, एक्सप्लेन किया, वो सब आपको एक आपकी इंग्लिश की नाम जो ग्रामर की नोटबुक है उसमें आपको कंपलसरी लिखना है, ओके। और उसके बाद आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करना है जो इंग्लिश ग्रामर के टेक्स्ट बुक में, जो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी, ओके। तो आपको ये सब कुछ लिखना है बच्चों, ओके। तो आपको ये वाला पूरा लिखना है आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में, ओके। नाउ आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज, ओके। एक्सरसाइज ए, मैच द सब्जेक्ट विथ द करेक्ट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ मैच करना है, ओके। यानी ये वाले सारे सब्जेक्ट हैं और ये वाले सारे क्या है, प्रेडिकेट, अंडरस्टैंड। ये वाले सारे सब्जेक्ट है और ये वाले सारे प्रेडिकेट है, यहाँ लिखा ही है देखो, मैच द सब्जेक्ट विथ द करेक्ट प्रेडिकेट, ओके। तो हमें इस सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ मैच करना है, करेक्ट वाला। जैसे फर्स्ट फेब्रुअरी, तो फेब्रुअरी मतलब क्या आएगा, तो और नेशनल बर्ड नहीं है, फेब्रुअरी कोई बर्ड थोड़ी है, हील नहीं, कंट्री नहीं, कंप्लीट फूड नहीं, हाँ हैज़ 28 डेज, फेब्रुअरी का 28 डेज होते हैं, तो 28 डेज, ओके। फेब्रुअरी हैज़ 28 डेज, ओके। नाउ सेकंड ट्रीज, अब ट्रीज क्या आएगा, बर्ड में नहीं आएगा, ट्रीज में वेंट अप द हिल नहीं आएगा, कंट्री भी नहीं आएगा, ट्रीज कंट्री थोड़ी है, कंप्लीट फूड ट्रीज कंप्लीट, क्या हम ट्री थोड़ी खाते हैं बच्चों, ये तो हो गया। गीतार भी नहीं आएगा, बीट द बॉय नहीं, पर ट्रीज गिव अ सेड, ट्रीज गिव अ सेड, ओके। हमें सेड देता है, सेड में छाव, चलो अमर, एक सेकंड ना, अमर, अमर क्या आएगा, बीट द बॉय नहीं, अमर ने दूसरे बच्चे को काट लिया क्या, काट नेशनल अमर थोड़ी बर्ड है, हील थोड़ी है, कंट्री भी नहीं है, कंप्लीट फूड भी नहीं, हाँ अमर प्लेस द गिटार, अमर प्लेस द गिटार आएगा, यानी अमर गिटार बचाता है। द डॉग, द डॉग क्या आएगा, द डॉग बीट द बॉय, द डॉग बीट द बॉय। मिल्क, तो मिल्क कैसा है, इज अ कम्प्लीट फूड, मिल्क है वो क्या है, कम्प्लीट फूड है, दूध में बहुत
सकती है। दूध पीने से हमें एनर्जी मिलती है। ओके, मिल्क ड्रिंक करो एवरीडे। अभी तो हर रोज़ आप लोगों को मिल्क ड्रिंक करना चाहिए, हल्दी वाला मिल्क जिसको बोलते हैं, ओके, वो करना चाहिए। ओके, द पीकॉक, तो पीकॉक क्या आएगा, इज अवर नेशनल बर्ड। इंडिया क्या आएगा, इंडिया इज माई कंट्री। और जैक कैंजील वेंट अप द हिल, हैं, ओके, एकदम इजी। आप लोगों को ये वाला लिखना है आपकी नोटबुक में। ओके बच्चों, नाउ बी, बी पुट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द करेक्ट ऑर्डर। पुट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अगेन आई रिपीट, क्या बोलना चाहती हूँ, पुट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यूज कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स वेयर रिक्वायर्ड। अब यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहाँ वहाँ हो गए हैं। अब ये ऊपर वाले सेंटेंस जो दिए ना, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहाँ वहाँ हो गए, हमें उसको अरेंज करना है, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, और एक मीनिंगफुल मतलब सेंटेंस अच्छा बनाना है, मीनिंगफुल जिसको बोलते हैं, यानी वो सेंटेंस पढ़ने से कुछ हमें समझ में आए, जिसको मीनिंगफुल बोलते हैं। ओके, अब यूज़ कैपिटल लेटर्स। यूज़ कैपिटल लेटर्स मीन्स देखो, यहाँ पर स्टार्टिंग में स्मॉल लेटर यूज़ किया। एक बात याद रखो, कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है। ओके, और ऑलवेज राइट फर्स्ट लेटर इन कैपिटल। ओके, तो ये वाला ध्यान रखो। और फुल स्टॉप्स वेयर रिक्वायर्ड, जहाँ रिक्वायर्ड लगे वहाँ फुल स्टॉप करना है। ओके, सेंटेंस जब पूरा होता है तो फुल स्टॉप तो आता ही है। ओके, तो चलो यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट सेंटेंस है। फर्स्ट, ऑन मंडे आफ्टर द होलीडेज रीओपन्स द स्कूल। व्हाट इज क्या, ऑन मंडे आफ्टर द होलीडे, मंडे को होली के बाद फिर से खोलेगा स्कूल, ये क्या है। मंडे आफ्टर, छुट्टियों के बाद फिर से खुलेगा स्कूल, ऐसे कैसे। तो मैंने देखो इसको, किस द स्कूल, यानी हम किसके बारे में बात करें, मंडे पर क्या मंडे, होलीडे मतलब क्या होलीडे, खुलने का पर क्या खुलेगा, तो स्कूल, स्कूल मैन क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कहाँ आएगा, आगे, द सब्जेक्ट रीओपन्स ऑन मंडे आफ्टर द होलीडेज। ओके, द स्कूल रीओपन्स ऑन मंडे आफ्टर द होलीडेज। ओके, आफ्टर द होलीडेज हो गया। अब मीनिंगफुल लग रहा है सेंटेंस, हाँ मीनिंगफुल लग रहा है, द स्कूल रीओपन्स ऑन मंडे आफ्टर द होलीडेज। ओके, मतलब होलीडे के बाद सोमवार को स्कूल रीओपन हो रही है। ओके, सेकंड, डिसओबे एंग्री विल बी इफ यू मदर हर, व्हाट इज दिस, नहीं तो किसके बारे में बात करेंगे, तो मदर, मदर का एम देखो कैपिटल, यहाँ टी भी कैपिटल है, देखा द स्कूल में टी कैपिटल। मदर विल बी एंग्री, मदर गुस्सा होगी इफ यू डिसओबे हर, इफ यू डिसओबे हर। अगेन आई रिपीट, मदर विल बी एंग्री इफ यू डिसओबे हर। ओके, मदर गुस्सा होगी अगर आप उसकी बात का बात नहीं मानोगे। ओके, नाउ थ्री, gave us a lot of our teacher homework. Okay, gave us a lot of our teacher homework. अब gave देती हमको बहुत हमारी teacher homework, इस तरीके से बोलेंगे तो क्या अच्छा लगेगा, नहीं इसकी जगह ही हम बोलेंगे our teacher, तो वो capital हुआ, our teacher gave us a lot of homework. Our teacher gave us a lot of homework. हमारे टीचर हमको बहुत सारा होमवर्क देती है। फोन नंबर, इन द ब्लू फ्रॉक इज माई सिस्टर द गर्ल।
व्हाट इज दिस? द गर्ल इन द ब्लू फ्रॉक इज माई सिस्टर. द गर्ल इन द ब्लू फ्रॉक इज माई सिस्टर, यानी लड़की है जो ब्लू फ्रॉक में, जो लड़की है वो मेरी सिस्टर है. इसी तरह एकदम इजीली ना. ओके नाउ फाइव नंबर, नेशनल फ्लावर इज लोटस फ्लावर. तो क्या आएगा? नहीं, आंसर कुछ समझ में नहीं आता ना, ये तो कुछ समझ में नहीं आता. पर लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर, कितना अच्छा लग रहा है. और देखो सबके पीछे फुल स्टॉप लगाया है, देखा? और सब पहले जो लेटर है, फर्स्ट वाला लेटर देखो कैपिटल में है सारे में. ओके यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके आप लोगों को ये पॉइंट जो है रिमेंबर, याद रखना पड़ेगा कंपलसरी. ओके कि फर्स्ट लेटर कैपिटल में, लास्ट में फुल स्टॉप. सो लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर. सिक्स नंबर, हाई एटीट्यूड इज फ्लाइंग द प्लेन एट अ, व्हाट इज दिस? नथिंग, कुछ समझ में नहीं आता. द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाई एटीट्यूड. द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाई एटीट्यूड. ओके सेवन, कलर्स रेनबो सेवन एज हैज, कलर्स रेनबो सेवन अ हैज, अ रेनबो हैज सेवन कलर्स, अ रेनबो हैज सेवन कलर्स. कितना अच्छा लग रहा है ये सेंटेंस, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था. डिफनेस लीड टू कैन टू मच नॉइज, टू मच नॉइज कैन लीड टू डिफनेस, यानी ज़्यादा आवाज डिफनेस भी क्रिएट लीड कर सकता है. ओके डिफनेस हो सकती है. टू मच नॉइज कैन लीड टू डिफनेस. ओके सो स्टूडेंट्स, आज मैं यहाँ तक ही करवाऊँगी. ओके आज के वीडियो में. और हाँ, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है. आपकी फिर से 25 मार्क्स की टेस्ट लेंगे स्कूल से, उसमें आपका चैप्टर 3 जो है. ओके 3 सिर्फ एक वन सेकेंड. ओके आपका जो चैप्टर 1 ग्रामर में है वो आपका आएगा चैप्टर 1 ग्रामर में. आर्टिकल्स जो है ना 2 चैप्टर नहीं आएगा द सेंटेंस. ओके 1 चैप्टर, चैप्टर 1 इन ग्रामर. ओके एंड आपका आएगा यूनिट 2 एंड यूनिट 3 इन इंग्लिश सब्जेक्ट. ओके तो ग्रामर और इंग्लिश का दोनों का मिक्स आएगा. ओके पेपर, तो आपको ये ध्यान रखना है. ओके तो आपको ये इतना ध्यान रखना है बच्चों, क्या क्या आपको करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. अभी सुनिए, स्टैंडर्ड 6 वाले बच्चे, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में चैप्टर 2 एंड 3 आएगा. 2 एंड 3 आपको करना है. ओके हाँ, उसमें ग्रामेटिकल जो पॉइंट है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं. ओके आपको उसमें से वर्क बुक में से ग्रामेटिकल पॉइंट कोई भी करना नहीं. ओके हाँ, इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 1 जो आपका आर्टिकल है वो आपको करना है. ओके बस इतना ध्यान रखना, उसमें आपको सिर्फ पैराग्राफ और पैराग्राफ में से जो क्वेश्चन आते हैं वो करने के. इंग्लिश वर्कबुक में भी बात कर रही हूँ. ओके चैप्टर 2 एंड 3 की बात कर रही हूँ, तो उसमें आपको जो पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ में से जो क्वेश्चन आते हैं वो करने के, फिर राइट द करेक्ट आंसर्स करने के. ओके और ट्रू फॉल्स वो सब करना है आपको, और बाकी सब आएगा आपका चैप्टर 1 ग्रामर में. और हाँ, वर्कबुक में एक वाटर साइकिल करके आपका पैराग्राफ है, ऑन द वाटर साइकिल एक्सप्लेन द वाटर साइकिल ऑन द अर्थ. ओके तो आपको वो वाला भी करने की ज़रूरत है. ओके जो थर्ड चैप्टर में. ओके तो आपकी नेक्स्ट एग्जाम कभी भी आ सकती है. ओके 25 मार्क्स की, सो रेडी फॉर दैट. ओके बाय.